वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा। न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है, मैं हूँ योगेश मिश्र। कभी देश की सियासत में जनसंघ में एक नारा लगता था, अंधेरे में एक चिंगारी, अटल बिहारी अटल बिहारी। आज यह चिंगारी बुझ गई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं हैं। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूजा गढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी को इन शब्दों के साथ हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, उनके वो किस्से, उनकी वो बातें याद करते हैं जो बहुत कम जगहों पर जिनका जिक्र हुआ, जिनकी चर्चा हुई। उनके चारों ओर एक कवि का प्रभाव मंडल था, पर नियति ने उन्हें राजनीति में धकेल दिया था। लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी की ही कला थी, ये उनका ही कौशल था कि उन्होंने साहित्य को, कविता को भी वैसे ही जिया, कविता को भी अमर कर गए और राजनीति को भी वैसे जिया। राजनीति में भी सारी मर्यादाएं कायम की और राजनीति में भी उन्होंने जो प्रतिमान गढ़े वो अमर हैं, उस पर चलने के लिए तमाम लोग अब भी तैयार हैं, तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी ज़िंदगी में तमाम ऐसे किस्से हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो उन्हें तो किस्सा को नहीं बनाते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाले हर आदमी के साथ कोई न कोई किस्सा बन जाता है, कोई न कोई किस्सा उसके पास रह जाता है। हम शुरू करते हैं कानपुर से। कानपुर से उनका बड़ा लगाव था। वैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ चारों शहरों की तहजीब, चारों शहरों की तासीर और चारों शहरों से उनका बेहद करीबी लगाव था। कानपुर में उनके दोस्त हुआ करते थे इंद्रजीत जैन। एक बार जैन साहब ने उनसे मजाक में कहा कि जब तक अटल, आडवाणी, जोशी तीनों मेरे घर खाना नहीं खा लेंगे तब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आडवाणी और जोशी तो खाना खा चुके थे, पर अटल बिहारी वाजपेयी को समय नहीं मिल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी उनके यहाँ आए, भोजन किए, उसके बाद जब वो दिल्ली गए तो कानपुर लौटे तो प्रधानमंत्री बन के लौटे। जैन साहब के यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे। इन दिनों डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी कानपुर के सांसद हैं, जैन साहब के घर ही रहते हैं, हालांकि जैन साहब अब नहीं हैं, उनके बेटे हैं। 1984 का एक वाक्या, 6 रायसीना मार्ग पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे। उस समय दंगे हो रहे थे पूरे देश में, बगल में युवक कांग्रेस का ऑफिस है, उनके घर के ठीक सामने एक टैक्सी स्टैंड है, ढेर सारे सरदार सिख टैक्सी के चालक थे, कांग्रेस के लोग उस तरफ बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर से निकले और उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो भीड़ के बीच में आ गए और उनकी बात मानी गई। यह स्मृति भी उन्हीं दिनों की है जब वो रायसीना मार्ग पर रहते थे। 6 रायसीना मार्ग उनका आवास था। उन दिनों अंग्रेजी में इनका हाथ थोड़ा सा तंग था, अंग्रेजी का कामकाज लालकृष्ण आडवाणी देखते थे, संघ ने आडवाणी को उनके साथ लगाया था। खबरें मीडिया तक पहुंच जाया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से कहा कि मुझे अंग्रेजी जानने वाला एक अच्छा आदमी दो। जोशी ने कहा कि मैं खुद आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उससे सहमत नहीं हुए। इसी बीच भैरव सिंह शेखावत आ गए। भैरव सिंह शेखावत से भी उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। उन दिनों सेना से रिटायर होकर के जसवंत सिंह दिल्ली के एक होटल में अपना कारोबार कर रहे थे, उनको मिलवाया गया। वो एक साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे, उसके बाद वो पार्टी के कार्य समिति के सदस्य बने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के कबीना साथी बने। वाजपेयी जी ने उन्हें विदेश मंत्रालय दिया। एक किस्सा अनंत कुमार से भी जुड़ता है। 1998 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। अनंत कुमार के दोस्तों ने उनसे कहा कि आप जाइए और प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो आपको मंत्री बनाए, यह आग्रह कीजिए। अनंत कुमार दोस्तों के कहने पर किसी तरह पहुँचे दिल्ली, उनको समय मिला, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। वो अपनी बात कह नहीं पाए, पर वो कुछ कहना चाह रहे थे, इस बात को भांप रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने चलते समय एयरलाइंस का महाराजा प्रतीक उनके हाथ पर रख दिया और कहा जाओ। बाद में जो रिशफल हुआ कुछ ही दिनों बाद, उसमें अनंत कुमार इसी महकमे के मंत्री बनाए गए, यानी संकेतों में भी वो बड़े संदेश दे रहे थे। यूपी में इन दिनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जब यहाँ मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी उनका प्रचार करने से कोई गुरेज नहीं करते थे। उन्होंने एक सभा में यहाँ तक कहा कि मैं आपको अपना प्रतिरूप दे रहा हूँ
और इसे जिताइए। ये उनका बड़प्पन ही था, ये उनके बड़े मन का प्रतीक था कि एक तो वो मेयर के चुनाव में प्रचार करने अपने संसदीय क्षेत्र में आए और दूसरे उन्होंने ये बात कही। आज भी ये बातें दिनेश शर्मा को भावुक कर देती हैं, उनकी आंखें नम कर देती हैं। एक दौर उत्तर प्रदेश में ऐसा भी आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कल्याण सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच रिश्तों में बेहद तल्खी आ गई। दोनों ओर से वार हुए, घात प्रतिघात हुए, लेकिन उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने संयम नहीं खोया। अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह को केंद्र में ले जाकर कृषि मंत्री बनाना चाहते थे और यहाँ पर कोई नया मुख्यमंत्री लाना चाहते थे, लेकिन कल्याण सिंह की सहयोगी महिला के कहने पर कल्याण सिंह ने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर जब परिवर्तन की बात हुई, कल्याण सिंह इस बात पर अड़ गए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी राजनाथ सिंह के लिए नहीं छोड़ेंगे। अटल जी राजनाथ सिंह को बहुत मानते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इच्छा पर लोगों की इच्छा को तरजीह दी, कल्याण सिंह की इच्छा को तरजीह दी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कहने पर उन्होंने राम प्रकाश गुप्ता जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वो पहले भी संबित सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, हालांकि तब से लेकर लंबे समय तक वो राजनीति से निर्वासन झेल रहे थे, इसके बाद भी उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी और डॉक्टर जोशी राम प्रकाश गुप्ता का नाम सुझा रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर जोशी से कहा था कि तुम ही मुख्यमंत्री बन के क्यों नहीं चले जाते हो। डॉक्टर जोशी ने उनसे कहा, क्या मैं आपको आपके मंत्रिमंडल में अच्छा नहीं लगता हूँ? अटल जी हंसे, ठठाके हंसे और ये बात आई गई हो गई। राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने, बाद में राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी अटल बिहारी वाजपेयी कितना ख्याल रखते थे, अपने संसदीय क्षेत्र से उनका कितना लगाव था, इसे इससे समझा जा सकता है कि लखनऊ के झंडेवालान पार्क का एक मुकदमा चल रहा था। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उस मुकदमे को लड़ रहे थे, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया। उन दिनों के सुप्रीम कोर्ट के जज ए एम अहमदी ने जो अंतरिम आदेश दिया वो बेहद पीड़ादायक लगा उन्हें। उन्होंने उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और पहली बार उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी तल्ख टिप्पणियां नहीं करते थे, उनकी टिप्पणी के जवाब में भी अहमदी ने उन दिनों के कोर्ट का कामकाज देख रहे लोगों ने तमाम टिप्पणियां की, पर वो अड़े रहे, अटल थे, अटल रहे। आज अमित पुरी ये बताते हैं कि यह उनका प्रेम था जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के पक्ष में इतने लंबे समय तक, इतनी दूरी तक चले। वो केवल हिंदी की कविताएं नहीं करते थे, हिंदी जीते भी थे। वो यूएनओ में गए तो हिंदी में भाषण दे करके दुनिया को चकित कर दिया, अस्तंभित कर दिया और वाहवाही लूट ली। 1971 में लखनऊ में रोटरी क्लब ने उन्हें बुलवाया। रोटरी क्लब की मीटिंग में जब वो आए तो उन्होंने पहली बार ही कहा, पहला वाक्य यहीं से शुरू किया कि आप लोग रोटरी क्लब के लोग कल से अंग्रेजी में अपना कामकाज नहीं करेंगे। उन दिनों लखनऊ रोटरी क्लब के अध्यक्ष विद्यासागर गुप्ता हुआ करते थे, उन्हीं के आमंत्रण पर अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ आए थे। बाद में रोटरी क्लब क्या करता है यह अभी देखने की बात है। मुझे लगता है कि आज जब अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है तो रोटरी क्लब भी कोई ऐसी श्रद्धांजलि देगा, उस पर अमल करेगा। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच के रिश्तों की तलखी के समय दोनों तरफ से बहुत सी चालें चली गईं। अटल बिहारी वाजपेयी जब नामांकन करके निकले तो बेगम हजरत महल पार्क में हुई रैली में मंच पर कल्याण सिंह थे, पर उन्होंने माइक्रोफोन नसीब नहीं हुआ। राजनाथ सिंह बोले, लालजी टंडन बोले। यही नहीं, लखनऊ के औद्योगिक घराने ने उन्हें हराने की कोशिश की, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे क्षमा किया और उनके यहाँ एक कार्यक्रम लगा लिया। हालांकि कल्याण सिंह ने उस कार्यक्रम का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि उस घराने की हरकतों के करतूतों के चलते उन दोनों लोग के बीच रिश्तों में तलखी ज़्यादा आई थी और यही वजह है कि उन्होंने उनका कार्यक्रम वहाँ होने नहीं दिया। राजभवन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के विक्रम राव ने उनसे सवाल पूछा कि अटल जी, आपका जिसने भी विरोध किया, बलराज मधोक, दीनदयाल शर्मा, मौलीचंद शर्मा, गोविंदाचार्य, सुब्रमण्यम स्वामी, सब के सब किनारे लगा दिए गए, किसी को पनकने का मौका नहीं मिला, कल्याण सिंह आपकी बगल में क्यों बैठे हैं? अटल जी हंसे और उनका जवाब था कि पार्टी को कल्याण सिंह की ज़्यादा ज़रूरत है। राजनीति के दांव पे भी वो चल लेते थे। वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया कि अगला चुनाव लोकसभा का अटल और आडवाणी के संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश गए थे, लौटे, उन्होंने बयान दिया, नहीं, आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद
पार्टी में अफरा तफरी मच गई, सब लोग उन्हें मनाने में जुट गए। अटल जी ने बता दिया, जता दिया कि वो नंबर एक हैं, नंबर एक रहेंगे। आडवाणी ने उसी दिन खुद को नंबर दो मान लिया और आडवाणी ने खुद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम मुंबई के अधिवेशन में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अटल और आडवाणी के दो अलग अलग स्टैंड थे, लेकिन आडवाणी की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने मान ली, क्योंकि वो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश मानते थे। उस समय दल को लालकृष्ण आडवाणी जो कह रहे थे उसकी ज़रूरत थी, नरेंद्र मोदी की ज़रूरत थी, और लालकृष्ण आडवाणी ये समझाने में कामयाब हो गए कि नरेंद्र मोदी राजनीति के शिकार हुए हैं। एक और वाक्या है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रपति के लिए एक उम्मीदवार की तलाश थी। उन दिनों के संघ प्रमुख रज्जू भैया उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति बन जाएं। अटल जी खामोश रहे। अटल जी को उससे पहले पार्टी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकृत कर चुकी थी। अटल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसी बार भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाए गए। उनको मथुरा के पेड़े, ठंडई, मालपुए, चौक की आम की खीर, आलू गोभी मूली के पराठे, साग के पराठे, जलेबी और दही बेहद पसंद थे। चौक की चाट, मिठाइयाँ, रबड़ी, खीर और कढ़ी चावल वो बहुत शौक से खाते थे। अच्छा भोजन खुद भी बनाते थे। वो चाइनीज़ भी उन्हें बाद में पसंद आने लगा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह, फैज अहमद फैज उनके पसंदीदा कवि थे। भीमसेन जोशी, अमजद अली और कुमार गंधर्व ने उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनने का शौकीन बना दिया था। नौका विहार भी उनके शौक में शामिल था। वैसे तो वो भाषण बहुत अच्छा देते थे, लोग उनका भाषण सुनने के लिए रुकते थे और जो रुक जाता था भाषण खत्म किए बिना जाता नहीं था। लेकिन संसद में अपने भाषणों की वो खूब तैयारी करते थे, खूब पढ़ते थे। बिना पढ़े बिना तैयारी किए संसद में बोलने को तैयार नहीं होते थे। राष्ट्रधर्म, पांच जन और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का उन्होंने सफल संपादन किया था। जब वो ताजमहल गए थे तो उन्होंने लाल गुलाब नहीं गुलाबी गुलाब अपने कोट में लगाया था। एक जाना एक अनिवार्य और बेहद दुखदायी प्रक्रिया है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अटल बिहारी वाजपेयी खुद किस्सा गो नहीं थे, लेकिन उनसे जो मिला उसके पास अटल जी का कोई ना कोई किस्सा ज़रूर है। विपक्ष का शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसे राष्ट्रीय मुद्दे पर अटल का साथ न मिला हो। पार्टी का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कोई यादें न हो। इसी मायने में वह अजात शत्रु थे। वह खुलकर हंसते थे, खुलकर बातें करते थे, खुलकर खाते थे, खुलकर जीते थे। उनका खुलापन ऐसा था कि उसमें सब कोई समा जाए। इसलिए आज हर तरफ शोक, दर्द, वेदना और उनसे जुड़ी किसी न किसी बात की चर्चा है। अब अटल हमारे बीच नहीं है, पर वो प्रेरणा देते रहेंगे अपने काम से, अपने नाम से, अपनी कविताओं से और राजनीति में छोड़े गए अपने पदचिन्हों से। इस बार इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।